ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बार ओथ ली थी और उसके बाद कोई भी प्रधानमंत्री तीसरी बार ओथ नहीं ले सका। हमें देश की जनता ने जिस प्रकार मोदी जी को आशीर्वाद दिया है तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का, तो हम सब गौरवान्वित हैं। हिंदी गठबंधन कह रहा है कि उन्होंने ऑफर किया था नीतीश कुमार को पीएम के लिए, जेडीयू के केसी त्यागी ने बात कही है, आपका इस पर क्या कहना है? अब मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कांग्रेस की बात है, जेडीयू से बोला, मैं इसके ऊपर क्या टिप्पणी करूं। गठबंधन ये भी कह रहा है कि उन्हें बुलाया नहीं गया है, वो तो पाकिस्तान इंडिया का मैच देखेंगे, शशि थरूर ने ये कहा है। अब ऐसा है कि अपरिपक्वता राजनीति की विपक्ष में इस प्रकार है कि कभी कभी शर्म भी आती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ओथ सेरेमनी हो और उनको निमंत्रण नहीं जाए, बाकायदा निमंत्रण गया। बस आपकी सवाल ये कि सर एलओपी के तौर पर राहुल गांधी का नाम जो है इंडी गठबंधन देख रहा है और सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी कांग्रेस की कब देखेंगे, क्या प्रतिक्रिया? लोग राहुल जी सदन में बैठेंगे तो संख्या अच्छी रहेगी क्योंकि पता नहीं कब क्या मिमिक्री करते हैं, लोगों को इस बात का इंतजार रहेगा। निश्चित तौर से एक बार पुनः विकसित भारत के संकल्प के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी की द्वारा जो शपथ ली जा रही है वो भारत के राजनीतिक इतिहास में लगातार और अपने कर्मों से लगातार, अपनी सेवा से लगातार, अपने स्वयं के लगातार बेहतर भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के अपने प्रयत्नों से लगातार कोई पहली बार तीसरी बार शपथ ले रहा है, वो है नरेंद्र मोदी। और निश्चित तौर से जिस तरह एनडीए की बैठक में उनको सर्वसम्मत सबका नेता चुना गया और जैसा उल्लासपूर्ण वातावरण था उसमें निश्चित तौर से एक बहुत ही जनता की बेहतर सेवा करने वाली, भारत को आगे बढ़ाने वाली, विकसित भारत के संकल्प को पूरी तरह से चरितार्थ करने के राहें बनाने वाली सरकार होगी, इस रूप में सारे देशवासी से देख रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आजादी के बाद दूसरी बार आदरणीय मोदी जी देश के इतिहास में तीसरे टेन्योर में शपथ लेने का काम कर रहे हैं। ये बात सही है कि एनडीए के समर्थन से और सभी सहयोगी दलों के साथ मिलकर ये सरकार बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं, पर यह भी सत्य है कि दो बार बहुत ही अच्छे ढंग से आदरणीय मोदी जी ने देश को चलाने का काम किया और देशवासियों ने फिर मोदी जी में भरोसा और विश्वास व्यक्त किया है और एनडीए के साथ मिलकर एक तीसरी बार हम लोग सरकार बना रहे हैं। ये देश के सौभाग्य की बात है और हमें लगता है कि जिस गति से दो कार्यकालों में हमने काम किया है अब भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी देशवासियों को और अच्छे ढंग से एनडीए के साथ मिलकर हम लोग सरकार चलाने का काम करें।